हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम इस ब्लेडलेस फैन को अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में हर एक चीज़ जानेंगे। ये आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, इसके बारे में आपको सारा चीज़ बताऊंगा। उसके बाद यदि आपको इसका फीचर्स अच्छा लगे तो आप इसे बाय करना, यदि अच्छा नहीं लगे तो आप इसे बाय नहीं करना। इसे टावर फैन भी कहा जाता है और ये उषा कंपनी का है। तो चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं इसे चला कर दिखाऊंगा। ये जब मैं इसे बाय किया था तो इसका फीचर्स जब मैंने अमेजन पर पढ़ा था उस पर लिखा हुआ था ये आवाज़ बहुत कम करता है और इसका जो हवा जो फेंकता है ये फोकस्ड वे में फेंकता है, एक ही डायरेक्शन में फेंकेगा। और इसमें और कुछ फीचर्स है, ये जो है घूमता भी रहता है। चलिए पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में जानेंगे। और ये ब्रांडेड कंपनी का है तो इसीलिए मैंने इसे परचेज किया था। तो चलिए पहले हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे और कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो ये लंबा सा फैन है, मीन्स टावर टाइप का है आप, और इसे टावर फैन भी कहा जाता है। तो इसका लगभग अनबॉक्सिंग हो चुका है, इसके प्लास्टिक से भी निकाल लेते हैं। और इसका सबसे पहले इसे हम स्टैंड लगा के इसके स्टैंड पर खड़ा करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो इसका जो वायर है, वायर का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। और ये जो है नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि ये इसका स्टैंड है, इसी के ऊपर ये जो टावर फैन है ये फिट होगा और खड़ा हो पाएगा। तो नीचे वाला जो हिस्सा जो है जिस पर ये खड़ा होगा, चलिए उसे पहले हम सेट करते हैं। ये किस टाइप से सेट होगा थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे पहली बार लगा रहा हूँ। देख सकते पहला वाला जो हाफ पार्ट है उसे दूसरे वाला हाफ पार्ट में ऊपर से ले जाके थोड़ा सा जब प्रेस करेगा तो ये आसानी से ये फिक्स हो जाता है। ये इसमें फिक्स हो गया। और चलिए अब हम देखते हैं ये जो टावर फैन है ये इसमें किस तरीका से फिक्स होगा। ये जो हाइट है इसका लगभग तीन फीट का हाइट है। तो चलिए उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का जो देख रहे थे वहाँ से हवा जो है वो बाहर की ओर फेंकेगा और पीछे में जो जाली बना हुआ है वहाँ से हवा अंदर की ओर आएगा। इस टावर फैन के ऊपर में देखो सबसे टॉप पे यहाँ पे कुछ बटन दिया हुआ है, इसके स्पीड को हाई करने के लिए, लो करने के लिए, मीडियम करने के लिए। और ये जो फैन है वो स्विंग करता है, मतलब चारों तरफ घूमता भी है, तो उसके लिए भी बटन दिया हुआ है। और इसके पावर को ऑन और ऑफ करने के लिए भी बटन दिया हुआ है। ये इस तरीका से इसमें फिक्स होगा। लेकिन इसे फिक्स करने के लिए, इसके नीचे वाले प्लेटफॉर्म को फिक्स करने के लिए पहले इसे हमें ओपन करना होगा, इस स्क्रू को। इससे पहले हम ओपन कर देंगे, फिर नीचे वाले प्लेटफॉर्म को इसमें लगा देंगे, उसके बाद फिर से हम इस स्क्रू को इसमें टाइट कर देंगे तो ये इसमें फिक्स हो जाएगा। और जब भी आप इसे फिक्स करते हो तो आप इसे ध्यान से फिक्स करना, क्योंकि यदि आप पहली बार फिक्स कर रहे हो तो ये हो सकता है कि आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको पता नहीं चला होगा कि किस तरीके से फिक्स करना है। एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं इसे पहली बार कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से हमें लगाना होगा। तो ये इसमें लग चुका है नीचे वाला प्लेटफॉर्म। अब इसे हम इसमें टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसे हम खड़ा कर देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे चला के दिखाऊंगा इसका जो हवा का स्पीड है किस तरीके से आता है, ये साउंड करता है या फिर नहीं करता है, ये आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, मैं आपको इसके बारे में सारा चीज़ बता दूंगा। उसके बाद यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसे बाय कर सकते हो, और यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसे बाय मत करना। और ये जो टावर फैन है इसका चौड़ाई जो है ये लगभग पाँच से छः इंच है चौड़ाई, ये लगभग इसमें फिक्स हो चुका है इसके नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इसका जो स्क्रू है पूरा अभी टाइट नहीं हुआ था, तो इसे भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे पहले, उसके बाद मैं आपको इसे चला करके दिखाऊंगा। और जैसा कि अभी गर्मी का समय आ रहा है तो ये फैन आपके लिए शायद बेस्ट रहेगा। और ये जो इसका जो एयर है हवा, ये एक सामने की तरफ हवा फेंकता है, और ये जो है आवाज़ भी बहुत कम करता है, जो कि इसके फीचर्स में लिखा हुआ था अमेजन पे, वो मैं अभी दिखाता हूँ। ये रियली में आवाज़ बहुत कम करता है या फिर नहीं करता है वो मैं अभी आपको सारी चीज़ इसे चला के दिखाऊंगा, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए अब हम इसे पावर सप्लाई देते हैं। घर में जो 220 वोल्ट का सप्लाई आता है उसी में हम इसे लगा देंगे, उसके बाद हम देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हम इसमें पावर सप्लाई दे चुके हैं, अब हम इसके पावर को ऑन करके हम इसके ऊपर जो बटन दिया हुआ है, सबसे पहले लो, हाई, लो, मीडियम और हाई, उसे हम करके देखते हैं। तो इसे हम सबसे पहले हाई पे कर देते हैं कि कितना ज़्यादा ये हवा को फेंकता है। और इसका जो स्विंग का बटन है उसे भी हम प्रेस कर देते हैं। अब तो ये घूमेगा इस टाइप से, मतलब कि चारों तरफ ये हवा को फेंकेगा। और ये बात तो सही है कि ये मतलब कि बहुत ही कम आवाज़ करता है, आवाज़ नहीं के बराबर करता है, लेकिन हवा का जो डिलीवरी है वो बहुत ही कम देता है। और ये बात सही है कि एक एक फोकस डायरेक्शन में ये हवा को फेंकता है, लेकिन हवा जो है बहुत कम फेंकता है। यदि आप इसे बाय करना चाहते हो, यदि तो आप जब आप इसे यूज करोगे तो आपको इसे बहुत ही नज़दीक में रखना होगा।